हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स प्रश्न क्लास में वेलकम। आज हम लोग कुछ मैथ से हटके करेंगे। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स मेथड बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं 2:5:5। हमने इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। आपने एग्जाम में देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो आपका ओलंपियड हो रहा है मैथ्स का। आजकल ओलंपियड चल रहे हैं ना, अब आपका शायद नेक्स्ट ओलंपियड अक्टूबर या नवंबर में है, इसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखो कैसे फाइंड करते हैं, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। क्लियर? 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद क्या आता है? 5। 5 के बाद क्या आता है? 7। 7 के बाद क्या आता है? 11। बट यहाँ पर अगर देखें तो 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, और इसके ऑप्शन है हमारे पास 7, 11, 3 एंड 13। अब इनमें से हमने बता दिया कि कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले देखो 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है? 3। 2 और 3 को अगर मैं प्लस करूं तो ये क्या बन रहा है? 5। क्लियर? तो 2 के बाद हमारा रेशो में क्या आ गया? 5। अब 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5 को हम लोग क्या करेंगे? 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 7। दोनों को प्लस करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? डी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी ऑप्शन, 12। क्लियर? ये था हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपने देखा होगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एक डायग्राम बनी होती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 35, यहाँ पे 4, 5, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और इसके ऑप्शन है हमारे पास 64, 129, 189 एंड 190। तो हम लोग सोचेंगे कि इसको कैसे करें। देखो फर्स्ट अगर मैं 2 और 3 को प्लस करती हूं तो क्या बनता है? 5। पर 2 + 3 = 5, और यहां पर 35 है। सिमिलर अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई भी करा देती हूं तो भी क्या बनता है? 6 बनता है। तब भी नहीं ऑप्शन बन रहा, तो ये कैसे बन रहा? देखो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। और 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। और अगर इनको मैं प्लस करूं तो क्या आ रहा मेरा? 35। क्लियर? नेक्स्ट 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरा आंसर क्या आ गया? 189। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज द 189। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये लास्ट ईयर पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से कर सकते हो, ये जल्दी हो जाता है। देखो हमें कितने सेकंड लगे, हार्डली 50 सेकंड्स भी नहीं लगे है ना इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इस ईयर इस डे को ये वाला डे था, डेट को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डेट को कौन सा डे होगा, है ना। आपने देखा है ना, डेट और डे वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में। सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 अक्टूबर 2018 को कौन सा डे था हमारे पास? फ्राइडे। क्लियर? ये हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज फ्राइडे था, ठीक है। 2 फेब 2019 को कौन सा डे होगा? क्लियर? इसके ऑप्शन है हमारे पास संडे, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 4 अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31 ना,
31 में से हमने 4 डेज निकाल दिए, तो कितने रह गए? 27, क्लियर। उसके बाद नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30। दिसंबर में कितने होते हैं? 31। जैन में कितने होते हैं? 31। फेब के कितने डेज आएंगे? 2। इनको प्लस करो, ये बन गया आपके पास 121, क्लियर। कितना बन रही है हमारे पास? 121। अब हम लोग 121 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं? 7। 7 से हमने डिवाइड किया, 7 × 7 = 5, 1। अब 7 × 7 = 49, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 2। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने फ्राइडे है ना, फ्राइडे से नेक्स्ट 2 डेज देख लेने अभी कौन सा आ रहा है। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ? संडे। क्लियर। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चंस और क्लास वाइज टॉपिक्स देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच।